हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज जो है हम अपने एक्टिवा 6G का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्टिवा 6G हमारी खड़ी है। तो जैसा हमने इसका जो हाईवे टेस्ट था वो किया था, तो इसमें इसका एवरेज 47 पॉइंट कुछ करके आया था। तो आज हम इसका सिटी का टेस्ट करेंगे कि हमारी एक्टिवा 6G सिटी में कितना एवरेज देती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको ले चलते हैं पेट्रोल पंप में, इसमें पेट्रोल डलवाते हैं फुल इसको, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसका माइलेज टेस्ट। ये आ गया हमारा पेट्रोल पंप, चलिए इसको फुल करा लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि ये सिटी में कितना एवरेज देती है। भैया इसको फुल कर दीजिएगा। सिटी माइलेज टेस्ट की राइड स्टार्ट कर दी है और हमने इसको फुल कराया है 3718 किलोमीटर्स पे। इसको हम 40-50 किलोमीटर चलाएंगे, उसके बाद हम इसको दोबारा रिफिल कराएंगे। इसके हम ड्राइव करेंगे जो करेंगे सिटी में, तो देखते हैं इसका क्या माइलेज आता है सिटी में। मैंने अभी जो हमने 7-8 किलोमीटर मैंने ड्राइव कर लिया है। आज मंडे है तो इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, रोज़ इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होती, आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पे। आज सब स्कूल कॉलेज वगैरह सब ओपन है और सब ऑफिस वगैरह जा आ रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ है आज। हाईवे का माइलेज टेस्ट तो मैंने अच्छे से कर लिया था, लेकिन जो सिटी का माइलेज टेस्ट है उसमें मेरे को एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग मुझे घूर रहे हैं। अभी मैं इतना यूज्ड टू नहीं हूँ कि इसलिए मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। धीरे धीरे अपन सही हो जाएंगे, कोई अगर देखता है तो देखता रहे, बट अभी थोड़ा शर्म आती है मेरे को। मुझे एक चीज़ रीवा की बहुत ज़्यादा ख़राब लगी कि यहाँ पे लोग इतने अच्छे अच्छे बाइक लिए रहते हैं, बट उसमें वो लोग हेलमेट यूज़ नहीं करते, जो कि हेलमेट एक सेफ्टी है, वो यूज़ नहीं करते हैं अपने टेंशन में कि बाल ख़राब हो जाएंगे, हेयर स्टाइल, लड़की का मुंह कैसे दिखाएंगे। इस चक्कर में जब एक्सीडेंट होता है तो सबसे ज़्यादा चोट सिर पे लगती है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग हेलमेट ज़रूर पहना करो। अभी मेरा ये गोप्रो जो था हैंग हो गया था, पता नहीं ये गोप्रो में क्या प्रॉब्लम है। मेरे गोप्रो में नहीं, सारे गोप्रो जो 8, 9, 7 जितने सीरीज़ के आते हैं सभी चलते चलते पता नहीं अचानक से हैंग हो जाते हैं, फिर ये स्टार्ट नहीं होते। तो इनको राइड के दौरान चालू करो, बंद करो, बैटरी निकाल करके, ये सारा मगजमारी वाला काम हो जाता है। पता नहीं गोप्रो को इसके ऊपर भी एक काम करना चाहिए। जब आप क्वालिटी पर इतना अच्छा काम किए, आपने पैसा इतना ज़्यादा ले रहे हो, तो आपको ये चीज़ें फिक्स करनी चाहिए। गोप्रो की मुझे दो चीज़ बहुत ख़राब लगती है, एक तो ये जो हैंग हो जाता चलते चलते, और दूसरी इसकी बैटरी, इसका बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो इस वजह से इसके लिए आपको अगर मोटर ब्लॉगिंग करनी है तो कम 2-3 बैटरी आपको रखनी पड़ेगी, वरना इसकी बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन होती है। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरा वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। तो भैया लोग आगे जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, ये होशियार हैं, इन्होंने आगे और पीछे दोनों साइड हेलमेट पहना है, इसको कहते हैं होशियार लोग। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हेलमेट पहना करो, क्योंकि आज मैंने एक रोड में एक्सीडेंट देखा था, उस भाई ने हेलमेट नहीं लगाया था, और तो उसके हाथ पाँव में लगाया था। अगर वो हेलमेट लगाया होता तो उसके सिर कम से कम बच जाता, उसका सिर काफ़ी ज़्यादा फट गया था और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी उसके सिर से। तो हेलमेट लगाया करो, हेलमेट सेफ्टी है आपकी, ना कि किसी और की। पुलिस चालान काटती है तो आपकी सेफ्टी के लिए काटती है। और बहुत लोग हेलमेट लेते हैं तो लोकल क्वालिटी का हेलमेट लेते हैं, तो प्लीज़ उसको मत लिया करो, क्योंकि वो एकदम सड़ा हुआ हेलमेट होता है, एक बार गिरते ही टूट जाता है। तो उससे आपके आप सोचते हो कि उससे मेरी प्रोटेक्शन हो जाएगी, तो उससे आपकी प्रोटेक्शन कभी नहीं होगी, उससे सिर्फ आप चलान से बच सकते हो, यमराज से नहीं। तो अच्छे क्वालिटी का हेलमेट लें और सेफली ड्राइव करें और खुश रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सबसे ज़्यादा डर लगता है ऑटो वाले के पीछे चलाने में, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता ये कब ब्रेक मार दें। एक आदमी को बैठाने के चक्कर में ये पीछे वाले को ठोक देते हैं, ज़्यादातर 90% केसेस मैंने देखा है ये अचानक से ब्रेक मार देते हैं और सामने वाला बाइक वाला या कार वाला कोई भी जाके घुस जाता है इनमें। ना ही ऑटो वाले की बैक लाइट जलती है, ना ही कभी इंडिकेटर देते हैं, जहाँ घुसना होता है तुरंत घुस जाते हैं। उसके बाद जब आपकी गाड़ी गिर जाएगी तो भैया ये तुरंत भाग भी जाते हैं, ये भी नहीं कि रुकेंगे, तुरंत छू अंतर। इसलिए ऑटो के पीछे तो भैया ना ही रहो तो ठीक है। आज का जो मौसम है काफ़ी अच्छा है, धूप अच्छी लग रही है आज, क्योंकि आज थोड़ा ठंड कम है तो धूप भी सही है, वरना रोज़ तो ठंडी ठंडी हवा चलती थी और धूप भी कम होती थी तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी। इसलिए आज ड्राइविंग करने में आसानी है और अच्छा लग रहा है धूप में। अभी मेरा कैमरा चालू नहीं था तो एक बस वाले ने अचानक से रोक दिया, जैसे मैं बताया था कि ऑटो वाले रोकते हैं उसी तरह बस वाले ने रोक दी। एक सामने से अपाची
आरटीआर कौन सी थी ये नहीं मेरे पता, जाके टकरा गई उसमें और गिर गया भाई। और उस भाई ने भी हेलमेट नहीं पहना था, जैसे मैं बता रहा था कि हेलमेट पहना करो। एक्टिवा 6G की एक प्रॉब्लम बहुत ही ख़राब लगती है मुझे, जो ये इसके पीछे का ढक्कन जो है ये गड़गड़ 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 बोलता रहता है, फ्यूल वाला बहुत ख़राब लगता है ये। अब पता नहीं एक्टिवा ने ऐसा क्यों किया है कि इसको पीछे से फ्यूलिंग करने के लिए दे दिया। आप टंकी के नीचे जो जैसा दे रहे थे वो काफ़ी अच्छा था। इस किलोमीटर मैंने ड्राइव कर लिया है, अभी 20 किलोमीटर और अपन ड्राइव कर लेते हैं तो 40 किलोमीटर जब हो जाएगा तो इतने में सही एवरेज अपन को समझ में आएगा सिटी में कि कितना एवरेज अपनी एक्टिवा दे रही है। ये जो भैया हैं इन्होंने हेलमेट टांग के रखा है गाड़ी में, क्योंकि पुलिस से सिर्फ चलान से बच सके हैं। इनको अपनी सेफ्टी का ये नहीं पता है कि अगर मैं गिर जाऊँगा तो मेरा क्या होगा। ऐसे ऐसे लोग हैं देख लो आप भी आज, कि हेलमेट गाड़ी में टांग के रखे, ये नहीं कि सर में लगा लें। प्लान में कुछ चेंज है, अब इसको 40 किलोमीटर नहीं समथिंग 32-35 किलोमीटर ही चलाएंगे। अब इसके बाद भी जो भी पेट्रोल पंप आएगा उसी में अपन इसको फुल कराएंगे दोबारा और चेक करेंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा जाना है काम से तो उस काम के लिए भी मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ और इस वजह से, और रोड में यहाँ धूल भी है इस वजह से, दोनों वजह से मैं थोड़ा सा किलोमीटर थोड़ा कम करूँगा। जहाँ पर भी इसका पेट्रोल पंप आएगा वहाँ पर हम पेट्रोल डलवा लेंगे। बीच रोड में यहाँ पर खड़ी होकर सवारी उतारने लगते हैं तो इस वजह से जाम लगता है, तो ये इनको समझना चाहिए कि किनारे खड़ी करो कि और लोग भी आपके पीछे हैं, कम से कम वो तो निकल जाएं। अरे वो पूरा पूरा दबा दो भैया, पूरा दबा दो, रास्ता मत आए तो ऐसे चलाते हैं ये कि रास्ता ही नहीं छोड़ते जाने के लिए कि बस हम ही चलेंगे पूरे रोड में वरना कोई नहीं चलेगा। हम आ गए पेट्रोल पंप, अब यहाँ पे पेट्रोल डलवाते हैं इसमें और देखते हैं कितना पेट्रोल आता है। डलेगा आपके पास? फुल कर दीजिए, फुल फुल। हाँ हाँ फुले है, नहीं आएगा देख। चलिए ठीक, हाँ मतलब एक भी नहीं आएगा। अजूबा हो गया कि मैंने इसको समथिंग 35 किलोमीटर चला दिया, उसके बाद भैया ने खोला इसको तो वैसे जैसे एकदम फुल तेल था अभी भी एकदम फुल ही है। तो अब इसका एवरेज के लिए मेरे को समझना पड़ेगा कि कैसे अब मेरे को ये आगे अभी कंटिन्यू करना पड़ेगा, मेरे को इसको और चलाना पड़ेगा। अब जितना किलोमीटर में 3754 किलोमीटर है, अब इसके आगे अपन ट्रेवल करेंगे और देखेंगे कि क्या एवरेज इसका आता है। अभी मैं इसको कम से कम 100 किलोमीटर चलाएंगे पूरा पूरा, उसके बाद इसको दोबारा फ्यूलिंग कराएंगे और देखते हैं क्या एवरेज आता है इसका। अजीबोगरीब वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा जैसा पहली बार आप देख रहे हो। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और अगर चैनल पे आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।